नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश कुमार, आपका अपना फार्मासिस्ट, और स्वागत है आपका मेड फार्मा ज्ञान में। व्यूअर्स, मेडिसिन यानी दवाइयों का हमारी हेल्थ से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। ये बात भी सही है कि अगर हम हेल्दी और फिट रहते हैं तो हमारी बॉडी को दवाइयों की बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी दवा का सेवन करना ही पड़ता है। व्यूअर्स, कई बार आप लोग जब डॉक्टर पे जाते हैं किसी बीमारी के इलाज के लिए तो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है। जब वो प्रिस्क्रिप्शन आप किसी मेडिकल स्टोर वाले को आप देते हो तो वो मेडिकल स्टोर वाला आपको प्रिस्क्रिप्शन से अलग दवाई होने की बात करते हैं जिसकी कंपोजिशन सेम है बट नाम अलग है। या कई बार वो कहते हैं कि सर इसमें नहीं अवेलेबल है, या उनके पास अवेलेबल नहीं होता तो आपको दूसरी ब्रांड की दवाई भी देते हैं। कई बार आप लोग भरोसा करके ले लेते हो और कई बार आप उसी डॉक्टर पे जिस पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसे मेडिसिन चेक करवाते हो। तो अब होता यह है कि कई बार जेन्युइन डॉक्टर जो होता है वो तो आपको कह देता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कई बार डॉक्टर कहता है कि ये दवाई जेनरिक है या ये दवाई नकली है, ये असर नहीं करेगी, और आपको फोर्स करेगा कि आप उनकी बताई हुई मेडिसिन या ब्रांड ही लें। अब आप कन्फ्यूजन में आ जाते हो या आपको डाउट होने लगता है कि क्या वाकई मुझे सही दवाई मिली है, क्या वाकई ही मेडिकल स्टोर वाले ने आपको एग्जैक्ट चीज़ दी है जिससे आपकी तबीयत ठीक हो सके या आपका इलाज हो सके। आप सोचने लगते हो क्या वाकई मेडिसिन नकली तो नहीं या वाकई जेनरिक मेडिसिन का असर नहीं है। इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आ जाते हैं और आप सोचने लगते हैं कि किस पर भरोसा करें। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक इसी चीज़ पर आधारित है, और जेनरिक और ब्रांडेड दवाई की संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए अब बात करते हैं जेनरिक और मेडिसिन दवाई के सच के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि मेडिसिन बनती कैसी है, मतलब क्या प्रोसेस से होके आपकी मेडिसिन तैयार होती है, किस किस चीज़ की उसमें मिलावट होती है, और कैसे आपका फाइनल प्रोडक्ट जो मेडिसिन आप लेते हैं वो बनता है। तभी आप जान पाएंगे कि जेनरिक मेडिसिन में क्या फ़र्क है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मॉलिक्यूल की खोज होती है जो हमारी मेडिसिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। मॉलिक्यूल एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है, या कहें कि दवाई का वो सबसे अणु बोलते हैं जिससे कि आपकी दवाई तैयार होती है, या मेन पार्ट उस दवाई का जिससे जो आपकी बीमारी पे सही करता है। कोई भी मॉलिक्यूल खोजने के बाद उससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, मतलब R&D टीम, उससे फिर फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट के पास भेजता है ताकि उस मॉलिक्यूल को एक मेडिसिन का रूप दे दें। तब ये मेडिसिन जाती है प्री क्लिनिकल ट्रायल में, जहां ये दवाई जानवरों पे टेस्ट होती है। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के सक्सेसफुल होने के बाद ये जाती है मेन क्लिनिकल ट्रायल्स पे, जहां इस मेडिसिन की टेस्टिंग ह्यूमन बीइंग्स पे की जाती है, और उसी आधार पर इसके फ़ायदे, नुकसान और कई प्रकार की चीज़ों को एनालाइज करते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा हमें पता लगता है कि दवाई की एफिकेसी कितनी है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा हमें क्लिनिकल ट्रायल के द्वारा पता लगते हैं। इसके सक्सेसफुल होने के बाद ही इसको मार्केट में उतारा जाता है। अब सबसे विशेष बात कि इन सब प्रोसेस को पूरा करने में ही कंपनी का करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, या कई बार अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इसका खर्च निकालने के लिए ही कंपनी मेडिसिन का पेटेंट करा लेती है, जो कि 15 से 20 साल या 25 साल तक अमूमन हो जाता है, और इसके बाद कंपनी इसे मार्केट में लॉन्च कर देती है सेल के लिए अपने तय किए हुए रेट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी कंपनी को इसके प्रमोशन पे भी खर्च करना होता है, क्योंकि इसमें कंपनी का एड का खर्चा, लॉजिस्टिक का खर्चा, हॉस्पिटल का कमीशन, डॉक्टर्स का कमीशन और भी कई खर्चे होते हैं। तो इन सब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चों की वजह से ही कंपनी अपने प्रोडक्ट का रेट महंगा करके बेचती है, और इस तरह की पेटेंट मेडिसिन को ही हम ब्रांडेड मेडिसिन का नाम देते हैं। अब कई कंपनी क्या करती हैं कि इसको मैन्युफैक्चरिंग राइट खरीद लेती है, या इसकी रॉयल्टी दे के इस मेडिसिन की सेल अपने प्रोडक्ट के नाम से ही स्टार्ट कर देती है, और ऐसी मेडिसिन भी ब्रांडेड मेडिसिन के अंतर्गत ही आती हैं। वहीं जेनरिक मेडिसिन की बात करें तो ये वो मेडिसिन है जिसका पेटेंट ख़त्म हो चुका होता है और अब इसे कोई भी बना सकता है। तो अब आप सोचेंगे कि ये सस्ती क्यों होती है, क्या इसमें मिलावट होती है या ये सबस्टैंडर्ड होती हैं। तो व्यूअर्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता जिससे आपको डरना चाहिए या घबराना चाहिए। जेनरिक मेडिसिन भी उन्हीं स्टैंडर्ड या मानकों को देखकर ही बनाई जाती है जैसे पेटेंट मेडिसिन बनाई जाती है। बस फर्क ये होता है कि अब जो कंपनी से बना रही है उसका मेडिसिन पे होने वाला ट्रायल्स का, रिसर्च का, फॉर्मुलेशन का खर्चा बच जाता है,
जो कि करोड़ों में होता है, उसे सिर्फ अब बनाने में खर्च करना पड़ता है और प्रमोट करने में। बट दोस्तों, यहाँ एक चीज़ पर और ध्यान देना पड़ेगा कि जेनेरिक मेडिसिन को डॉक्टर्स को प्रमोट नहीं करना पड़ता, इसलिए उन्हें कंपनी को कमीशन भी नहीं देना पड़ता, जिससे उसकी लागत और कम हो जाती है। और यही वजह है कि कई बार आपका डॉक्टर्स अपनी प्रिस्क्राइब या लिखी हुई मेडिसिन का नहीं लाने पर या जेनेरिक मेडिसिन लाने पर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा देता है। बट इसमें भी हमें डॉक्टर्स की पूर्णतः गलती नहीं निकाल सकते, क्यों तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पेटेंटेड मेडिसिन को जेनरिक का नाम दिया गया है। दोनों को बनाने का प्रोसेस सेम होता है, तो ब्रांडेड की तरह जेनरिक मेडिसिन की गुणवत्ता और असर भी सेम ही होता है। इसमें कहीं से कहीं कोई फर्क नहीं होता। जेनरिक मेडिसिन भी उतनी ही कारीगर है जितनी आपकी अपनी ब्रांडेड मेडिसिन, क्योंकि ये भी उसे उसी स्टैंडर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाती है जैसे कि ब्रांडेड बनती है। अब आते हैं जेनरिक मेडिसिन को पहचाने कैसे, जो कि एक बहुत ही प्रमुख सवाल उठता है हम व्यूअर्स के लिए कि इन दोनों में फ़र्क कैसे करे, जेनरिक और मेडिसिन में फ़र्क कैसे पड़े। पर सच कहूँ दोस्तों, तो इवन मेडिकल स्टोर्स पर्सन्स या ऑनर्स के लिए या फार्मासिस्ट ही ये जान पाते हैं कि ब्रांडेड में और जेनरिक में फ़र्क क्या है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग, असर में और इसमें कहीं से कहीं कोई फ़र्क नहीं होता, सिवाय फ़र्क होता है इनके रेटों में। जेनरिक मेडिसिन आमतौर पर सस्ती होती हैं, ब्रांडेड काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो सबसे पहले जेनरिक मेडिसिन अपने सॉल्ट के नाम से बिकती है, यानी अपने इंग्रेडिएंट के नाम से। इसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे हम लेंगे एक दवाई लिनेजोलिड 600। लिनेजोलिड 600 एक एंटी माइक्रोबियल और या कह लिए एंटीबायोटिक है, ओके। तो जब ये जेनरिक नाम से बिकती है तो इस पर ज़्यादातर लिखा होगा लिनेजोलिड 600। वहीं अगर इसका ब्रांडेड वर्जन देखेंगे तो उसमें लिखा होगा लिंजोफोर 600। उसी तरह जैसे पैरासीटामोल है, आप ब्रांडेड वर्जन में जाएंगे लेने तो आपको डोलो, कालपोल इन नाम से अवेलेबल होती है मार्केट में। लेकिन अगर आप उसका जेनरिक वर्जन देखेंगे तो उस पर सिर्फ लिखा होगा पैरासीटामोल 500। जैसे आप जन औषधि केंद्र पर जाएंगे अपनी जेनरिक मेडिसिन को लेने, तो आप मेडिसिन लेंगे तो देखेंगे कि उस पर किसी कंपनी का नाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट नेम लिखा होता है या उसका एक्टिव, हम बोले उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम होता है। दूसरा, ब्रांडेड मेडिसिन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो ज़्यादातर सिंगल नाम से होते हैं। इसे ऐसे समझे जैसे एक मेडिसिन है एम्लोवास, जो कि एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ होती है। तो इसके ब्रांडेड वर्जन में देखेंगे तो इसके एक्चुअल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट में सिर्फ और सिर्फ एम्लोडिपिन लिखा होगा। वहीं दूसरी ओर अगर इसके जेनरिक फॉर्म की बात करें तो ये एम्लिप 5 के नाम से आती है। इसका अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट चेक करेंगे तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा उसमें एम्लोडिपिन बेसिलेट लिखा होगा। अब आप सोचेंगे कि कहीं नाम में डिफरेंस होने से या इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट के जो नाम है कि उनके डिफरेंट होने से इनकी एफिकेसी यानी असर पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, ये दोनों ही 100% सेम है। बट इन दोनों तरीकों की भी अपनी ही लिमिट है, मतलब जो ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं कि जेनरिक और ब्रांडेड में डिफरेंस कैसे किया जाए, इनकी भी एक अपनी लिमिट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी सॉल्ट के नाम में, आगे ज़रूरी नहीं है कि सब ब्रांडेड में भी सिंगल नाम ही आए, कभी कभी कोई दवाई ऐसी भी होती हैं जिसके आगे डबल नेम होता है। जैसे मैं बात करूंगा मेटफॉर्मिन की, तो कहीं मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड भी आता है जो एथिकल में आते हैं, तो थोड़ा सा इसमें अपनी लिमिट है, इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड करें। पर हाँ, मैक्सिमम वाइज क्या होता है कि ये दवाइयाँ इजीली इसी तरह पहचानी जाती हैं। यानी ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिससे हम सटीकता से जेनरिक और ब्रांडेड में डिफरेंस कर सकें, क्या कोई प्रोसेस हो वो बता सकें। ये ज़्यादातर हमारे अपने पर्सनल फार्मासिस्ट हैं, हमें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही पता करते हैं। तो ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन में डिफरेंस करना कहीं ना कहीं अपना आपके फार्मासिस्ट की दक्षता पर भी डिपेंड करता है। फाइनली व्यूअर्स, मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ कि बिना आपके फार्मासिस्ट के कोई भी दवाई ना लें, ना ही सेल्फ मेडिकेशन करें। अब जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि डॉक्टर्स की पूर्णतः गलती नहीं निकाल सकते कि जेनरिक और ब्रांडेड के बारे में जो वो अपनी राय रखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही काला सच है, या कहिए एक ऐसा सच है जिसे शायद हम लोग माने या कह लो बड़े फार्मा कंपनी नहीं मानती, बट ऐसा होता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट में
कई ऐसी छोटी छोटी कंपनी अपनी दवाई या प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं जिन्हें गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स पे ध्यान देते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। अब होता क्या है कि ये जब कभी मैंने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स का सहारा लेते हैं दवाई बनाने के लिए, और जब इन थर्ड मैन्युफैक्चरर्स पे जाते हैं तो प्रोडक्ट को मार्केट में मैक्सिमम बेनिफिट निकालने के लिए ये उनसे रेट की सौदेबाजी करते हैं, या कहिए कि बार्गेनिंग होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये कई बार ज़्यादा ही कम रेट मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, या कहिए कि उसके रेट पे उसे दवाई प्रोवाइड कराने के लिए, उसकी गुणवत्ता से खेल जाते हैं, या कहिए उसमें एक्टिव इन्ग्रेडियंट का कंपोजिशन या जो मात्रा होती है वो स्टैंडर्ड मेडिसिन के मुकाबले कम होती है। इसी वजह से क्या होता है, कई बार जेनरिक मेडिसिन उतना असर नहीं करती जितनी दूसरी दवाइयाँ या ब्रांडेड या अच्छी जेनरिक दवाइयाँ करती हैं। ये भी एक रीज़न है कि डॉक्टर्स कई बार इन दवाइयों के असर को नकार देते हैं। तो ये भी आपके एक फार्मासिस्ट पे ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह की दवाइयाँ मेडिकल्स पे रखता है कि नहीं, क्योंकि कई बार ज़्यादातर मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट अवेलेबल ना होना, सिर्फ एक आदमी किसी का फार्मासिस्ट लाइसेंस लेके बैठा हुआ है और वो मेडिकल चला रहा है, उसे इसकी नॉलेज नहीं है कि किस में क्या दवाई का इंग्रेडिएंट है, क्या डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, या क्या उसका प्रोसेस है उसकी अच्छी तरह प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। उसे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। यही ये छोटी छोटी कंपनियाँ इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि सामने दवाई देने वाला आपका फार्मासिस्ट है कि नहीं है। एक धारणा ये भी है कि कई लोग कहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन की जो अच्छी क्वालिटी होती है विदेशों में सप्लाई की जाती है और बेकार क्वालिटी को इंडिया के लिए रखा जाता है। तो हम इसके बारे में श्योर नहीं है, क्योंकि अब तक ना मैंने इसे कहीं देखा है ना सुना है। इसी के साथ व्यूवर्स, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।